आपको राजस्थान के उस पुत्र से मिलाया जा रहा है जो कि राजस्थान से बाहर रह के समाज सेवा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के 12 जिला से, एक छोटे से कस्बे से, कोयला ग्राम से आने वाले आपको एक नरेंद्र जी मेघवाल से आपको हम रूबरू करवाए जा रहे हैं जो कि राजस्थान से बाहर रह के पूरे भारत में समाज का एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम आप उनसे पूछना चाहते हैं वो किस प्रकार समाज का काम करते हैं। नमस्कार, पहले से सबसे पहले आपके चैनल का काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ साथ उसमें पूरा डेडिकेशन करना भी दूसरी बात है। काम तो बहुत संस्थाएं कर रही है, लेकिन अगर हम अपन उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ काम करें तो अपन निश्चित तौर पर अपन भी आगे जा सकते हैं और समाज को भी आगे ले जा सकते हैं। पिछले ही दिनों 7 मार्च को मैं दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। भारतीय बौद्ध महासंघ के नेतृत्व में मेरे को राष्ट्रीय स्तर से अवार्ड आ गया, नवाजा गया और कार्यक्रम में सम्मानित होकर बहुत अच्छा लग रहा है। और चाहता हूँ कि आगे के जो मेरे पीछे वाले लोग हैं वो भी आगे जा करके अनेक सम्मान से सम्मानित होंगे। आप राजस्थान के बहुत सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, आप उनके बारे में कुछ कहना, उनको कुछ प्रेरणा स्रोत कुछ कहना चाहते हैं उनको कि आगे चल के वो अपने लाइफ में कैसे आगे अपनी स्किल डेवलप करें इसके बारे में, क्योंकि राजस्थान को छोड़ के राजस्थान के बाहर भी आपके बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम किया है समाज सेवा करके, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं जो अपने पीछे आने वाली पीढ़ी है जो आपके पीछे चल के समाज का काम आगे से आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बहुत से ऐसे नौजवान युवा हैं जिनमें एक जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है, जो अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे अपने आप को देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक क्षेत्र में आए, और बहुत से युवाओं की इच्छा भी रहती है कि समाज क्षेत्र में आए, सामाजिक जीवन में जो कुरूतियाँ हैं, देश में जो व्याप्त समस्याओं को डटकर मुकाबला करें। तो मेरी कुछ नसीबी है कि लोग अगर मेरे से प्रेरणा लेकर सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें बहुत अच्छी स्कोप है। आजकल बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, लीडर, कोई भी देख लीजिए आप, सब ने अपना जो दायरा है वो समाज क्षेत्र से शुरू किए, तो आप इसमें बहुत अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। आप बहुत सारे काम करते हैं, समाज सेवा काम करते हो, आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना होता है या ऐसे ही आप निडर होकर आप काम करते हैं, कुछ चुनौती आती होगी, राजनीतिक प्रेशर आते होंगे आपके ऊपर, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप क्या प्रिपरेशन करके जाते हैं तैयारी करके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज के समाज में देखो जी समस्याएं तो बहुत है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि समस्याएं तो उनका हल भी है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं है उतना नहीं है, हल बहुत है और समस्याएं भी है। लोगों के कहीं रहते हैं, कहीं नेगेटिव आदमी मिलते हैं, कहीं पॉजिटिव आदमी मिलते हैं, लेकिन अपन को नेगेटिव को साइड लाइन करके अपने पॉजिटिव चीज़ें आगे जोड़ के देखना चाहती है। राजनीतिक प्रेशर में तो मैं किसी पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ना हूँ, मैं किसी भी पार्टी का 25 पैसे का सदस्य नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ। और अपन जो सामाजिक जीवन में जो किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, किसी को अपमान किया जा रहा है, तो उससे चुनौतियों से अपन लड़ते हैं और उसको आगे निकाल के लेके जाते हैं। अपन ये सामाजिक कार्य करते हैं। मैं 30 निर्धन स्कूली बच्चों को मुंबई में मुफ्त पढ़ाई करवा रहा हूँ। हर साल थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मेरे 15 अगस्त के जन्मदिन पर सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेशन करवाकर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जान बचा रहा हूँ। मुंबई में पिछले 3 साल से विश्व की टॉप 10 मैराथन, मुंबई मैराथन में 3 साल से मेडल विजेता रहा हूँ और अनेक ऐसे सेवा कार्य हैं मुझे वो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ ने हीरो पॉलिटेक्निक के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका हूँ। वो झालावाड़ का ही नहीं अपितु 137 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो राजस्थान में है वो सब मेरे से जुड़े हुए और मेरे को हीरो की बात देखते हैं, और काफ़ी युवा जो मेरे से आगे प्रेरणा लेते हैं, और अच्छी बात है, किसी को लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आप जब वहाँ जॉब करते हैं, जॉब से आप राजस्थान आते हैं, राजस्थान 10-15 दिनों के लिए आते हैं, फिर भी आप 10-15 दिन अपने घर वालों के नहीं देखे, अपने समाज का काम करते हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आप 10-15 दिन के लिए घर आते हैं, उसमें भी आप पूरा यानी कि समाज का काम करते हैं, तो आपको घर वालों से भी थोड़ा सा स्नेह रहता होगा, घर वालों का भी, तो आप उस काम को कैसे करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं तो आते ही घर जाते हैं, तो घर जाते हैं फिर घर वालों की ही देखे रह जाते, लेकिन आपका ऐसा मामला नहीं है, आप क्या कि पूरे 38 क्षेत्र में घूम के 15 दिन के अंदर भी आप पूरा समाज को ही देते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मैं 11 तारीख से आया हूँ, 30 मार्च तक मेरा राजस्थान का ही रुकना है, 20 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन मैं खुद की मेरी ज़िंदगी में 20 दिन से ज़्यादा ना अपने परिवार और अपने समाज के बीच में रहूँगा, अपने देश के लोगों, अपने राज्य के लोगों से, अपने गाँव के लोगों के बीच रहूँगा, और उनकी जो समस्या है, उनके जो जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। आज भी मैं हाड़ौती दंगल प्रतियोगिता चल रही है कोटा में, उसमें रख करके आया हूँ। अभी भी हम लोग कोटा में ही काफ़ी लोगों से मिलना जुलना है, तो सब लोगों की समस्या है, उनसे मिलना जुलना है, और घर परिवार तो चलता ही रहता है, जो समाज के काम आए, देश के नाम एक नरेंद्र जी हैं जो पूरे देश को संभाल रहे, एक दूसरा नरेंद्र है जो अपना राजस्थान को देख रहा है, लोगों के बीच में अपने देशों के आप लोगों के बीच में से पला बड़ा आदमी हूँ, तो मेरा अच्छा लगता है कि इन लोगों के बीच में इनकी समस्याओं को जूझता रहूँ और इनकी समस्याओं का निदान कर पाऊँ, मेरे स्तर पर जितना हो पा रहे।
आगे आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या करना चाहते हो, जैसे जॉब लाइन से आप हटके कुछ और करना चाहते हो समाज के लिए, क्योंकि जॉब में आप एक बाउंडेड में हो, आप उससे बाहर निकल के समाज के लिए और कुछ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ राजनीति में जाने की इच्छा है या नहीं, या फिर आप समाज के लिए ही काम करना चाहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को मैं जवाब भी अच्छी तरीके से देता हूँ कि काफ़ी बार पूछा जाता है मेरे से ये कि आप, बहुत से लोगों के आरोप प्रत्यारोप भी रहते हैं कि आप राजनीति के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति मत चुनाव लड़ना और लूट कसोट करना वो राजनीति नहीं है। राजनीति आपका एक वोट देने का अधिकार भी है और मैं वोट दे रहा हूँ, तो किसी दिन मैं अगर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति भी मैं आऊँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि मैं राजनीति में, राजनीति होती है समाज की बेहतरी के लिए। तो अगर अपन राजनीति में आएँ किसी वार्ड पार्षद से लेकर सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या आप मुख्यमंत्री तक जाओ, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए अगर राजनीति की जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और मेरा राजनीति में आने का इच्छा जरूर है, लेकिन मेरा डिमांड नहीं है, इच्छा जरूर है कि राजनीति में आऊँ तो लोगों से जुड़ पाऊँ, लोगों की जो आज मैं इंडिविजुअल जो लोगों की 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल से मैं 3000 बच्चों को पढ़ा हुआ, कल से मैं राजस्थान की पूरे 10-12 करोड़ आवाम का नेतृत्व करूँ, तो इच्छा जरूर है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। और मेरे पास सबसे बड़ी कमी है कि मेरे पास कोई गॉड फादर नहीं है, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ और इंडिविजुअल काम में विश्वास रखता हूँ, किसी पार्टी की 25 सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की दलाली करता हूँ, तो मेरी चुनौतियाँ बहुत है, क्योंकि इंडिविजुअल को आप जानते हो कि समाज में अगर पॉलिटिक्स में आना है तो कितना बड़ा ये है, लेकिन मेरे को मानना है कि एक दिन राजनीति में आएंगे तो बेहतरी के लिए आएंगे और बेहतर काम करके दिखाएंगे। आपको हमने दिखाया नरेंद्र जी भाई का वीडियो, क्योंकि नरेंद्र जी भाई ने बहुत छोटे से समय में रहकर जो कि आज इन्होंने जो बताया कि 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि आज के लेवल में अपने घर वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, यह समाज सेवा का काम करके 30 बच्चों को कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस फीस लिए जमा करवा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि घर के बच्चों को नहीं पढ़ा पाते आदमी, आप 30 का वर्डन कर रहे हो, उसके बारे में कुछ शब्द आपको, जो आने वाले बंदे भी इसको आगे जाके जो पैसे से अच्छे हैं वो इस काम को आगे करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी शुरुआत करता हूँ कि मैं जब बहुत छोटा सा था तब मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ इसी तरह की रही है, तो मैंने सोचा मैंने चिमनी की उजाले से पढ़ाई की है, मेरे घर पे लाइट भी नहीं थी उस टाइम में, राजस्थान गवर्नमेंट में मेरा गांव विद्युत से नहीं जुड़ा हुआ था और घर की ऐसी परिस्थितियाँ भी नहीं थी, तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि जो लोग पढ़ाई से बैकआउट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो मुख्यधारा में कैसे आ पाएँ, पढ़ाई से कैसे जुड़ पाएँ, तो जैसे आपने जिक्र किया 30 बच्चों का, तो मैंने यहाँ समस्याएं देखी थी वो, तो मैंने आप जैसे हम जैसे मेरे जैसे नौजवान आदमी आसपास से जो मेरे से परिचित थे उन लोगों का एक समूह बनाया और हम लोगों ने 2-2, 5-5, 100-1000 रुपये महीना एक फ्रेंड फॉर सोसाइटी का गठन किया। मैं इंडिविजुअली मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने आप को सर भी नहीं देता हूँ उस काम का, ये काम है समाज का काम है और सब समाज मिलकर कर रहा है, तो 30 बच्चों की पढ़ाई हम 10-12 लोगों का समूह बनाए, प्रत्येक महीने हम लोग डोनेशन करते हैं, छोटी सी संस्था बनी हुई है और उसके माध्यम से हम लोग एक स्कूल में जो बिल्कुल निर्धन परिवार के बालक हैं उनको पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको हमारे चैनल में आने के लिए।